हर हर महादेव संग गौरा पार्वती। कैसे हैं आप लोग? 121वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणि ग्रहण करना। शुरू करते हैं। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर शरद कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभू का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो, उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उससे कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्रारंभ किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाजवल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के यो कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की विग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन आपको नमस्कार है। रमानाथ मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज दंभ के यो कहने पर श्रीहरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था, अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नाम गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधिपूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम
उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तो शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीशव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र गमन हो अपने इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानव राज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपह सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तमशील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहां चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के ये सकाम बात सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं और आप यहां तपोवन में तप कर रही हूं, आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विष्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भक्त डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंश तथा दम्ब नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ, ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यो कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन्ना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, जिसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करें। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे,
ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साधी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू उसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। श्रीरांत होने पर भी पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और उसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। संत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। हर हर महादेव संग गौरा पार्वती। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।